हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लगाने वाले हैं इस तरीके का पीओपी चक्र। और दोस्तों, ये जो पीओपी चक्र है, जैसे कि हम लोग फॉल्स सीलिंग नहीं कराए हैं अपने घर में, तो इस तरीके का पीओपी चक्र अपने घर में एक डिजाइन देने के लिए लगवा सकते हैं अपना जो सीलिंग होता है उस पर। और ये दोस्तों काफ़ी कम रेट में आपको लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लगाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आप लोगों को, और लास्ट में इसका जो प्राइस होता है, कितना खर्चा आता है इसमें, दोस्तों आप लोगों को बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पीओपी चक्र जो होता है उसको हम लगाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे जो पीओपी चक्र है, इसको हम लोग शॉप से खरीद के लाए हुए हैं, और इसका जो साइज है लगभग 2.5 फीट का है, और इस पे अभी भी पन्नी लगा हुआ है, तो ये रेडीमेड आता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम चलिए फाड़ लेते हैं। और इसका जो डिजाइन है आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया ये जो डिजाइन है, और इसमें बहुत सारे डिजाइन भी आते हैं दोस्तों। और इसका जो साइज है, ये छोटा बड़ा और इससे भी बड़ा सा भी और साइज आपको मिल जाएगा। तो हम लोग ये मीडियम रेंज का जो साइज था, इसको हम लोग सेलेक्ट किए हैं लगाने के लिए। तो आप देख सकते हो इसका जो डिजाइन है वो काफी अच्छा है। और दोस्तों, हम लोग फॉल्स सीलिंग नहीं करवाना चाहते, तो इसको हम इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा लगता है हमारा जो सीलिंग है उस पर लगने के बाद में। ये जो पीओपी चक्र है, इसको हम दो तरीके से इंस्टॉल करते हैं। एक जो हमारा होता है पीओपी से ही हम इसको चिपका देते हैं, और दूसरा हमारा जो लगाने का तरीका होता है, इसको हम ड्रिल से लगाते हैं। तो अभी हम लोग ड्रिल से लगाने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं। और लगाने से पहले सबसे पहला हमारा जो काम होता है, यहाँ जो आप सेंटर देख रहे हो, इसको हम लोग छेद करेंगे। और इसको हम छेद इसलिए करेंगे दोस्तों, ताकि हमारा जो पंखे वाला वायर है या फिर झूमर वाला जो वायर होता है, उसको हम यहाँ से बाहर निकाल सके। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है छेद कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो ड्रिल मशीन है, उसको आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें दो ड्रिल मशीन का जरूरत पड़ेगा इसको इंस्टॉल करने के लिए। और इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे हमें 10-12 स्क्रू का भी जरूरत पड़ेगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो स्क्रू है इसका साइज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो एक मशीन का काम रहेगा, जो हमारा सीलिंग है उसको छेद करने का, और दूसरा मशीन का जो हमारा काम रहेगा, स्क्रू को दोस्तों टाइट करने का। तो ये दोनों मशीन काफी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लगाते हैं हमारा जो पीओपी का जो डिजाइन है उसको सीलिंग पे। तो लगाने से पहले सबसे पहले हमारा जो पंखे वाला वायर है दोस्तों, उसको सेंटर से जो है हम इसको निकालेंगे, और उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे एक छोटा सा जो लोहा होता है दोस्तों, हमारे जो सीलिंग है उस पर लगा हुआ है, उसके मदद से हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे, ताकि ये जो है हिले ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपके सीलिंग में इस तरीके का अटैचमेंट नहीं है, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से पकड़वा सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट वाला जो ड्रिल है पतला वाला, उससे हम सबसे पहले हमारा जो सीलिंग है उसको छेद करेंगे। तो आप देख सकते हो हम किस तरीके से इसको छेद कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों, हम इसको इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 4 छेद करेंगे, ताकि हमारा जो सीलिंग का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छे से पकड़ सके। तो फ्रेंड, जैसे हमारा 4 ड्रिलिंग हो जाता है, उसके बाद में हम लोग इस पर स्क्रू डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा जो स्क्रू है, इसको हम सेकेंड मशीन से लगा रहे हैं, और हमारा जो सेकेंड मशीन है दोस्तों, केवल टाइट करने का काम करता है स्क्रू को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा जो चारों स्क्रू है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अटैच हो चुका है, और ये दोस्तों बिल्कुल ही गिरने का इसमें कोई चांस ही नहीं है। तो आप देख सकते हो काफ़ी इजीली हम लोग इस डिज़ाइन को लगा लिए हैं अपने जो सीलिंग है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा जो पीओपी का डिज़ाइन था वो कम्प्लीटली लग चुका है। और उसके बाद हम इसी तरीके से दूसरा जो हमारा पीओपी डिज़ाइन है, उसको भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे।
तो फ्रेंड्स अब बात आती है इस पीओपी डिजाइन का जो प्राइस होता है उसका। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों लगभग 700 से 800 रुपये के बीच में, और इसका इंस्टॉलिंग चार्ज है 300 रुपये। तो फ्रेंड्स आपका जो खर्चा होने वाला है इस पीओपी डिजाइन में तो 1000 से 1200 रुपये के बीच में। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से कम रेट में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जो सीलिंग है उसको अच्छा बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।